हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की एपेक्स काउंसिल की बैठक वर्चुअली संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता एचपीसीए के उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने की। बैठक की जानकारी देते हुए संघ के सचिव सुमित शर्मा ने बताया कि काउंसिल में उपस्थित सभी सदस्यों ने वर्तमान कोविड-19 के दौरान थमी हुई क्रिकेट खेल गतिविधियों को अनलॉक 5 में पुनः प्रारंभ करने हेतु विचार से विस्तृत चर्चा की। बैठक में एकमत से निर्णय लिया गया कि बीसीसीआई प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई एसओपी को समावेश करते हुए एचपीसीए और संबंधित जिला क्रिकेट संघों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया का प्रारूप खेल गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए तैयार किया जाएगा। सुमित ने बताया कि एसओपी तैयार करने के लिए सर्वसम्मति से 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के संयोजक अमिताभ शर्मा, सह संयोजक डॉक्टर आर एस राणा के अलावा सदस्यों के रूप में डॉक्टर किंजल सुरतवाला तथा डॉक्टर सुरेश राठौर होंगे और ये समिति 1 महीने के अंदर मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप को संघ के सचिव को आगामी कार्रवाई हेतु देगी। सुमित ने बताया कि एचपीसीए का एसओपी प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन की आगामी अनलॉक की दिशा निर्देश अनुसार लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के स्पोर्ट्स कैलेंडर की शेष अवधि के लिए क्रिकेट गतिविधि को भी प्रशासन और प्रदेश सरकार के निर्देशों के पश्चात शुरू करने पर सहमति जताई गई है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट गतिविधियों के लिए समय और प्रक्रिया तय हो सके इसके लिए 4 सदस्यीय टीम का भी गठन किया गया है। सुमित ने बताया कि संघ द्वारा निर्मित एसओपी क्रिकेट स्टेडियम और मैदान, इंडोर अभ्यास क्षेत्रों, विभिन्न सब सेंटर्स और क्रिकेट अकादमी के अलावा संघ के खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स स्टाफ, ग्राउंडमैन, ऑफिस स्टाफ और विजिटर्स पर लागू होगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की गत रोज बैठक एपेक्स काउंसिल की बैठक संपन्न हुई है और उस बैठक में क्रिकेट से संबंधित और प्रशासनिक बहुत से निर्णयों पर नीतिगत फैसले लिए गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला ये था कि कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से लगातार ये हमारे हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला का स्टेडियम और उससे संबंधित सभी स्टेडियम्स बंद पड़े हैं। तो उपस्थित सभी काउंसलर्स का निर्णय हुआ था कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ भी अपना एक एसओपी बनाए और वो एसओपी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और बीसीसीआई के द्वारा समय समय पर जो अपनी गाइडलाइंस एसओपी के माध्यम से दी गई हैं उन सबको एमलगेट करते हुए एचपीसीए का अपना एसओपी होना चाहिए। और साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि वो जो एसओपी बनेगा उसको हम आउटडोर क्रिकेटिंग एक्टिविटीज के लिए तभी लागू करेंगे जब अनलॉक की 5 या 6 की स्थिति के पश्चात प्रदेश सरकार भी आउटडोर गेम्स के लिए परमिट करेगी। तो हमने उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने 4 सदस्यीय एक टीम का गठन किया है और उस टीम से कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी इन सब एसओपीज को एमलवेट करते हुए एक एचपीसी के लिए एसओपी बनाएं। वो एसओपी हमारे जितने भी स्टेडियम्स हैं, सब सेंटर्स हैं, क्रिकेट अकेडमीज हैं, इंडोर्स हैं और उन सब और अलग अलग ग्राउंड्स हैं उन पर लागू होगी। उसके साथ साथ हमारे खिलाड़ी, सपोर्टिंग स्टाफ, ग्राउंडमैन, विजिटर्स, ऑफिस स्टाफ, इन सब के ऊपर भी वो एसओपी लागू होगी। उसके अलावा उसी बैठक में ये भी एक निर्णय हुआ है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ अगले बचे हुए इस एकेडमी बचे हुए इस स्पोर्ट्स कैलेंडर में किस प्रकार से स्पोर्ट्स एक्टिविटी को चला पाए, एसओपी के आधार पर हम उसको चलाएंगे। और उसके लिए भी हमने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उसके अलावा बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय किए गए हैं जिसके तहत हमने अपने खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के नीतिगत निर्णय लिए हैं। तो ये सब कुछ हमारा एचपीसी के अपेक्स काउंसिल बैठक में निर्णय हुए हैं।